जाती है कि जाती ही नहीं। चुनाव कोई भी हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरणों की अपनी ही सत्ता और महत्ता रही है। उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा एक बार फिर जातीय समीकरण अहम हो चले हैं। इस बार क्षत्रिय अस्मिता को हावी माना जा रहा है और इसको हवा दी जा रही है। घोसी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे नीरज शेखर ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया, कहा समाजवादी पार्टी में क्षत्रियों का सम्मान नहीं होता। वहीं समाजवादी पार्टी ने नीरज शेखर पर बंगले के लिए पार्टी बदलने का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी में क्षत्रियों कितना सम्मान है मैं जानता हूं। और नीरज शेखर जी एक बंगले के लिए उन्हीं ठोकरों उन्हीं कदमों में जा गिर पड़े। घोसी के घमासान में जनता का फैसला क्या होगा और क्या नहीं, जब साफ होगा तब साफ होगा। फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और क्षत्रिय अस्मिता के नाम पर सियासत की सतह पर बयानबाजी की बहार आई हुई है। बीजेपी प्रत्याशी विजय राजभर के समर्थन में सभा करने पहुंचे राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने समाजवादी पार्टी में क्षत्रियों को सम्मान न मिलने का राग छेड़ा, तो समाजवादी पार्टी उसे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के समाजवादी सिद्धांतों तक खींच ले गई। समाजवादी पार्टी की बात ही क्यों हम कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी है ही नहीं और इसीलिए सम्मान की बात करना चाहता हूं। जो समाजवादी के समर्थन से लड़ रहे हैं उनको आज तक पता नहीं चला क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं समाजवादी पार्टी का कितना सम्मान है उस पार्टी में, चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री के पद की कुर्सी को ठोकर मार दी लेकिन अपने उसूलों और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। और नीरज शेखर जी एक बंगले के लिए उन्हीं ठोकरों उन्हीं कदमों में जा गिर पड़े, तो नीरज शेखर जी को कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि पुत्र किसके हैं, क्या प्रधानमंत्री जी ने आप एक बाइट दिखा दीजिए चंद्रशेखर जी का जहाँ उन्होंने किसी जात विशेष पर कभी कोई कमेंट किया हो टिप्पणी किया हो। चंद्रशेखर जी समाजवादी थे, नीरज शेखर अवसरवादी है। दरअसल कुछ ही दिन पहले समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नीरज शेखर लोगों को समझा रहे थे कि उन्होंने समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी, बीजेपी क्यों ज्वाइन की। इस बीच जिक्र छत्तीस समाज से आने वाले घोसी से समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार सुधाकर सिंह का आ गया तो नीरज शेखर की जुबान बोल पड़ी, वहाँ तो क्षत्रियों का सम्मान तक नहीं होता। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी का झंडा क्यों उठा रहे हैं उनकी समझ से परे है। हैरान हूँ और मैं बोलना नहीं चाहता उनके बारे में, बड़े भाई के समान है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मन की क्या व्यथा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सम्मान उस पार्टी में किसी का सुरक्षित नहीं है, क्षत्रिय समाज का विशेषकर। वो कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और गई भी। नीरज शेखर ने क्षत्रियों के सम्मान का मुद्दा उछाला तो समाजवादी पार्टी ने लपक लिया। समाजवादी पार्टी की ओर से राजीव राय ने मोर्चा संभाला, कहा नीरज शेखर को अपने पिता से कुछ सीखना चाहिए, भारतीय राजनीति में नीरज शेखर को कौन जानता है, वो तो भला हो अखिलेश यादव का जिन्होंने नीरज शेखर को संसद तक पहुँचाया। अखिलेश यादव पर उंगली उठाने से पहले नीरज शेखर को समझना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने उनको ग्राम प्रधान लायक भी नहीं समझा, तो जब उनका स्वर्गवास हुआ तो सड़क पर थे और मेरे कहने पर, और ये बातें ऑन द रिकॉर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि नीरज शेखर जी का ऑन द रिकॉर्ड कार्यकर्ता सम्मेलन में अभी जाएंगे तो उसका वीडियो मिलेगा, उन्होंने स्वीकारा था कि राजीव राय मुझे ले आकर अखिलेश यादव से मिलवाए और यहाँ तक पहुँचाए। जाहिर है उपचुनाव में अब कुछ वक्त ही बचा है, अलबत्ता बयानबाजी भी तेज हो गई है, लेकिन बयानों का घोसी के घमासान में क्या असर होगा और जनता इन बयानों से कितना प्रभावित होती है, नतीजों का इंतजार करना होगा। विजय प्रकाश मिश्रा, जी मीडिया, मऊ।